इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमा के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छुं छुं द्रं द्रं द्रीं दीं द्रवै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों बं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज पाचे पाचे ओम नमो रं झं झिं छुं हं सं झं बं हयसा छाम छीम छोम छै छै छो छम झा छिवीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रे ह्रे ह्रु ह्रूम रोरा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठाटास्माकं समस्त भवजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वामी। अस्माकं आज की शांति धरा कथा परिवारस्य अनिर्मा जी जन्मदिवस सुअवसरे अपि संदीप जी संगीता जी कपूरचंद जी हंस जी सेजल जी बरोदिया वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। चक्री जी संभव जी सोनम जी नेवर सापरिवार समंगल भवतु। अजय जी अभिनंदन जी प्रशांत जी ब्रह्म जी मुंबई महाराष्ट्र सापरिवार समंगल भवतु। प्रदीप जी संजय जी उमा जी इंदिरा जी कर्नाटक सापरिवार समंगल भवतु। अमन जी अनु जी अखिलेश जी कीर्ति जी सरोज जी ग्वालियर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। अग्रम जी निर्मल जी प्रिंस जी कुहू जी पीहू जी बानी जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। अशोक जी राहतगढ़ स्वास्थ्यवर्धम संतोष जी स्वास्थ्यवर्धम मिली जी गर्भ शिशु रक्षार्थम समस्त भवजीवानां व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो असीम कालीन विधानकर्ता परिवार सुरेश चंद जी दिनेश जी मुकेश जी संजय जी हिमांशु जी दिव्यांशु जी जयंश जी कल्लैया परिवार बंडा सापरिवार समंगल भवतु। ओम नवरति भगवते पिछिणा से दोष कलम सहे देवीते जो मोते नम श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वेंग विनाशनाय सर्वोकम विनाशनाय सर्वपत्रो विनाशनाय सर्वरिष्ट शांतिग्राय ओम भ्राम भ्रीम रुभ्रा सेव सनम मम सर्विंद शांति गुरुगुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरुगुरु स्वाहा। संभुजी कानम प्रतिपालि कानम येतीन्द्रियसामनि तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवत जिनेन्द्र। उस पल के साक्षी बने अभी 12 बजे के बाद हमारे पास दो जन आए, उनने बोला यहाँ पर अभिषेक हो रहा है श्रीमान राजेंद्र जी सरवारा श्रीमान दादा, और हम लोग सभी लोग एकदम दौड़े आए भगवान की तरफ। देखा तो भगवान के ऊपर देव के तो अभिषेक हो रहा था, देवों द्वारा अभिषेक हो रहा था। जैसे ही भगवान के पास देखा तो सब लोग साक्षी हैं, ये सभी लोग साक्षी हैं जिन्होंने देव के अभिषेक देखा है। शांतिनाथ गुंथनाथ हरेनाथ भगवान का अभी भी निरंतर अभिषेक देख रहे हैं हम लोग, भगवान के ऊपर से नीचे तक अभिषेक की धार हम सभी लोग ने देखी है। ऐसे महान ऐसेकारी यहाँ के शांतिनाथ गुंथनाथ हरेनाथ नैमिनाथ चंदापुर भगवान मित्रों, यहाँ पर पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से जब हम लोग विधान का असीमकालीन विधान का आशीर्वाद लेने गए थे, जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने बोला था कि विधान चालू करो एक दिन ऐसा अतिशय होगा कि पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व उसकी अनुमोदना करेगा। मित्रों आज सभी हम लोगों ने आज ऐसा अभिषेक देखा कि देव के अभिषेक देखकर हम लोग धन्य हो गए सभी लोग। 12 बजे के बाद से निरंतर यहाँ पर अभिषेक हुआ। हम लोगों को जैसे ही खबर लगी, हम लोग जैसे ही भगवान के पास आए और देखा कि भगवान गीले ऊपर से नीचे तक जल की धार बह रही है। धन्य ऐसे ऐतिहासिक पल जिस पल के हम सभी लोग साक्षी बने, इतने सारे लोगों ने अभिषेक देखा। और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने तो कहा था कि देखो विधान चालू करो ऐसा दिनाथ गुतनाथ रहना चंदापुर भगवान एक दिन अतिशय दिखाएंगे, तो आज हम लोगों ने अतिशय देख लिया। हम लोगों ने बिल्कुल साक्षात यहाँ पर जाके अभिषेक देखा, हम लोगों का धन जीवन धन हो गया। हम लोग सुबह से यहीं पर थे, दिन भर पूजा कर रहे थे और जो उपास में हम लोग यहीं पे हैं, साक्षात हम लोगों ने पूरा अभिषेक हम लोगों ने देखा और सबको कंधों तक हाथ में लिए, सबको कंधों तक दिया, हम लोग का जीवन धन हो गया। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। हम लोगों ने सब जन रहे थे, माला फेर रहे थे भीतरी मंदिर में और मंदिर में आके और एकदम अभिषेक हुआ तो सब ने देखने लगे कि भैया जो
खमर जे गौतम भैया आते दो जन इन गदबद देख खूब जय बोली और खूब धारा हो रही खूब मंदिर में खूब बहुत भेजा अभिषेक हो रहा है शांति नाथ को वराय नाथ को कुंत नाथ को। जैसे ही हम लोगों को बस्ती में पता चला कि भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ नैमिनाथ भगवान का देवों द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, हमारी माताएं बहनें जैसे थीं वैसे की वैसी सरपट दौड़ी चली आईं और इस साक्षात चमत्कार को देखकर हम सब ने इस ऐतिहासिक पल को हमारी आंखों में संजो के रखा है। हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें इस क्षेत्र के निवासी होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो हम सबको बोला वहाँ पर मोहल्ले में कि सब लोगों आ जाओ ऊपर अभिषेक हो रहा है, देखा तो अभिषेक सही में हो रहा है और सबने गंदो तक लिया और लगाया। 12:30 बजे जैसे ही हमें खबर मिली कि बार मंदिर देवों द्वारा अभिषेक हो रहा है शांतिनाथ अरहनाथ कुंतनाथ चंदाप्रु पांचों मूर्तियों का, हम तुरंत ऐसे ही कि ऐसे आए तो पूछो पूरी मूर्ति पांचों मूर्ति गीली मिली बिल्कुल गंदो तक लगाया हम लोगों ने ऐसे अतिशा क्षेत्र की जय हो जय हो जय हो जय हो। 12:30 बजे की बात है, हम दुकान पर बैठे हुए थे, हमें यहाँ पे मालूम चला थी शांतिनाथ जी कुंतनाथ जी अरहनाथ जी भगवान का मस्त अभिषेक देवों द्वारा हो रहा है। जैसे ही हमें मालूम चला हमने यहाँ अभिषेक देखा और गंधो तक प्राप्त हुआ, जय शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। हम ग्रामवासियों को जैसे ही शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ नैमिनाथ चंद्रप्रभु भगवान के ऊपर देवों द्वारा जो अभिषेक हुआ उसका पता लगा, हम लोग दौड़े दौड़े आए और हम लोगों ने ऐसा अतिशय जिंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा कि भगवान इतने गीले थे कि ना तो पत्थर सूखा था और भगवान गीले थे, मैंने ऐसा चमत्कार जिंदगी में कभी नहीं देखा। जय हो भगवान जय हो जय हो। अतिशय होते हैं लेकिन होते आ रहे हैं ईश्वरवारा क्षेत्र में, लेकिन आज पहली बार हम लोग ने साक्षात अतिशय देखा तो पता चला क्या होते हैं अतिशय। ऐसे चमत्कारी श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेना चंदा प्रभु नेमिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा अतिशय मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, अभी तक तो मैंने वीडियोज़ के माध्यम से देखा था कि भगवान का देवों द्वारा अभिषेक होता है, आज मैंने अपने ही जन्मस्थली में अपने ही भगवान शांतिनाथ का देवों द्वारा अभिषेक देखा है। हम लोग नीचे बस्ती में रहते हैं और हम लोगों को जैसे ही पता चला कि शांतिनाथ कुंतनाथ जी अरहनाथ जी नैमिनाथ जी चंदाप्रु भगवान के समोसरण में देवों द्वारा अभिषेक हो रहा है तो हम लोग तत्काल ही दौड़ते दौड़ते आ गए और भगवान जी का हम लोगों ने साक्षात देवों द्वारा अभिषेक देखा और गंधोदक भी प्राप्त हुआ। मेरी भाभी कल बोल रही थी क्या यहाँ अतिशय नहीं होते, आज उन्हें भी पता चल गया कि यहाँ तो देवों द्वारा ही अतिशय होता है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। हमारे अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा में आज चमत्कार हुआ जो हमने अपनी आँखों से स्वयं देखा, श्री शांतिनाथ भगवान कुंतनाथ रायनाथ भगवान के सिर से नीचे तक अभिषेक हुआ और नीचे की तला पे गंधोदक भर गया। ये हमारे जैन समाज ईश्वरवारा की समस्त जैन समाज ने स्वयं आँखों से देखा, ये तो बरसों से हो रहा है। जब बहुत पुराना मंदिर था दाऊ के समय में तब मैंने देखा कि यहाँ शांतिनाथ भगवान के यहाँ देवों द्वारा यक्ष द्वारा कोई ना कोई अतिशय होते रहते हैं। हम लोग मालथोन से आए हैं, सोए अभिषेक कर दी, हम लोगों का विचार बना ईश्वरवारा चल रहा है और चमत्कार देख लिया हम लोगों ने। हम मालथोन से आए हैं, पहले अपने मंदिर में अभिषेक पूजा की, उसके बाद हम लोगों का विचार बना कि ईश्वरवारा चल रहा है वहाँ का अभिषेक देखना है। जैसे ही हम लोग नीचे थे हम लोगों को पता चला कि ऊपर अभिषेक हो रहा है तो हम लोग देखने के लिए आ गए। जैसे मैंने नीचे सुना कि शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ नैमिनाथ चंदाप्रु भगवान का देवों द्वारा अभिषेक हो रहा है, वैसे मैं दौड़ा चला आया और यहाँ आकर साक्षात देखा कि देवों द्वारा अभिषेक चल रहा है और मैंने गंधोदक लिया ऊपर लगाया, शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।